नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज में हम डिस्कस करेंगे कौन से टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न पेपर फॉर्म में यानी कि ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं और किन्हें आईटीआर ऑनलाइन ही फाइल करनी होगी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में रूल दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उस केस में यदि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होने हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करनी है यानी कि ऑनलाइन और ये डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही फाइल करनी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन है यानी जिसकी एज 80 ईयर्स और अबव है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और वो या तो आईटीआर 1 फाइल कर रहा है या फिर आईटीआर 4, तो उस केस में पेपर फॉर्म में भी आईटीआर फाइल कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काउंटर पे, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकता है डिजिटल सिग्नेचर के साथ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकता है आईटीआर को और जो उसकी अक्नॉलेजमेंट होगी वो साइन करके बेंगलोर भेज सकता है जिससे कि उसकी आईटीआर वेरीफाई हो जाएगी। यदि कोई और व्यक्ति है यानी कि इन एनी अदर केस जो इंडिविजुअल और एचएफ है यानी कि जिसका ना तो टैक्स ऑडिट होना है ना ही वो सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में उसे आईटीआर ऑनलाइन ही फाइल करनी है। यहाँ पे उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ ऑनलाइन फाइल कर सकता है, या फिर आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के बाद उसे ईवीसी के साथ वेरीफाई कर सकता है, या फिर आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के बाद उसकी जो अक्नॉलेजमेंट है उसे साइन करके बेंगलोर भेज सकता है। दोस्तों, कंपनी के केस में जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल की जाती है डिजिटल सिग्नेचर के साथ है। और जो व्यक्ति आईटीआर 7 फाइल करते हैं यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के केस में या फिर एनी अदर केस, ये रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाती है डिजिटल सिग्नेचर के साथ है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं ईवीसी के साथ, या फिर आप आईटीआर ऑनलाइन फाइल करके उसकी अक्नॉलेजमेंट साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं। यदि कोई फर्म है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई भी और व्यक्ति है जो कि यहाँ पे कवर्ड हमने ऊपर सीरियल में नहीं किए हैं सीरियल नंबर में, वह आईटीआर 5 फाइल करते हैं, तो उस केस में यदि उनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत या किसी भी और केस में, उनके पास भी ऑप्शन है कि या तो वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन आईटीआर फाइल करके उसे ईवीसी के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आईटीआर ऑनलाइन फाइल करके उसकी जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है वो साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और खुशी की खबर है कि सीए इंटर और सीए फाइनल स्टूडेंट फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की टेस्ट सीरीज़ है, 40 मिनट्स की, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और सीए इंटर ग्रुप 2 की जहाँ पे के मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज़ है, ये भी 40 मिनट्स की है और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इस प्रकार ये सीरीज़ यूजफुल है मई 2022 में जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं सीए के लिए। इसी प्रकार सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, ये भी 40 मिनट्स की है जिसमें के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और मई 2022 के अटेम्प्ट के लिए ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके अलावा आप 1000 वर्थ रुपीज़ के अमेजोन वाउचर भी हर टेस्ट के साथ जीतने का चांस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सीए इंटर और सीए फाइनल की इन फ्री टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप रेफरल कोड सदबीर10 यूज़ कर सकते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो सके। इसके अलावा सीएस के लिए डेली स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि फ्री टेस्ट अवेलेबल है अनअकैडमी ऐप पे। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, सबसे नीचे ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री का लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करेंगे, और थर्ड स्टेप भी है स्टार्ट द टेस्ट, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी, तो इसे क्लिक करके आप ये फ्री टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।